यह हर एक चीज छोटी से लेके बड़ी तक, इवन यहाँ तक कि मैंने स्लीपर्स तक की भी बात की है किया, और मैंने सब ये डायरी बनाई है, जैसे पार्लर वाले से कैसे बात करना है, डायरी में हमको क्या क्या नोट करना है। इवन मैं आज आउटफिट्स के बारे में भी बात करने वाली हूँ कि हम क्या क्या आउटफिट्स पहन सकते हैं। कट टू कट बात कर लीजिए कि आपको ये मेकअप कराना है, बनाना स्टार्ट करिए। जैसे मैंने डिसाइड किया था मैं लहंगा पहनूंगी, तो फिर मैंने लहंगा छोड़ के फिर गाउन में शिफ्ट हो गई, तो ज्वेलरी सेट मैंने वैसी वाली खरीद, आउट ऑफ ट्रेंड हो गई है उसको आप करें ऐसा बिल्कुल। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल चिक। तो पहले जो वीडियो था मेरा, जो प्रीवियस वीडियो था, आपने बहुत ज्यादा उसे पसंद किया, ब्राइडल शुड मस्ट है, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें कवर की है, हर एक चीज छोटी से लेके बड़ी तक, इवन यहाँ तक कि मैंने स्लीपर्स तक की भी बात की है। तो पहले आप वॉली पार्ट को देखिए, उसके बाद ये पार्ट में आइएगा, तब आपको ज्यादा मजा आएगी। और यदि आपकी शादी होने वाली है या रोका हो गया है और आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जाहिर सी बात है हर लड़कियों का थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि हमारी लाइफ का इतना बड़ा दिन आने वाला है, हमारी लाइफ चेंज होने वाली है, तो इतना सोचना और इतना थोड़ा हड़बड़ाना लाजिब से बात है। लेकिन हमको हड़बड़ाना नहीं है और इस वीडियो को एंजॉय करना है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपकी दोस्त सारी बातों को कवर करने वाली है, क्योंकि मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी, तो मुझे भी इस प्रकार से थोड़ी सी हड़बड़ाहट हुई थी, लेकिन मैंने पेशेंसली सब काम किया। एक ये डायरी बनाई है जिसमें मैंने सारे चीज को इंक्लूड किया है, सारे चीज को मैंने कवर किया है, तो मैं आपकी एक सहेली होने के नाते सारी चीजों को आज आप लोग के सामने शेयर करने वाली हूँ। तो पहले प्रीवियस पार्ट को आप देख लीजिए, तब आपको ज्यादा समझ आएगी। और इस वीडियो में मैं एक एक चीज कवर करूंगी, जैसे पार्लर वाले से कैसे बात करना है, डायरी में हमको क्या क्या नोट करना है, इवन मैं आज आउटफिट्स के बारे में भी बात करने वाली हूँ कि हम क्या क्या आउटफिट्स पहन सकते हैं, एक रेफरेंस मैं आपको दूंगी। इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी, तो उस वीडियो में मैं आप लोग के सामने शेयर करूंगी कि अपने टूजर बैग में आपको क्या क्या रखना है, जैसे कि हम क्या क्या पैक करके रख सकते हैं, तो एक एक सामान का लिस्ट मैं आपको उस वीडियो में देने वाली हूँ, और मेकअप के बारे में भी हम उस वीडियो में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में हम सारे फंक्शन के ड्रेस के बारे में बात करेंगे, हेयर स्टाइल के बारे में बात करेंगे, मेकअप के बारे में थोड़ी बहुत, कि आपके आउटफिट के हिसाब से आप कौन से मेकअप को कर सकते हैं, और एक आइडिया मैं दे सकती हूँ, और मैंने क्या क्या मिस्टेक की है, अपने मिस्टेक्स को भी मैं आपको इस वीडियो में कवर करके बताऊंगी, ताकि आप वो मिस्टेक को दोहराए नहीं और आप अपनी शादी को बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हो सके। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। एंड सबसे दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि यदि आप पार्लर वाली से मेकअप कराना चाह रहे हैं, आप सैलून से मेकअप कराना चाह रहे हैं, यदि क्योंकि 90% जो वुमेन होती है वो मेकअप सैलून से ही कराती है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप सैलून में जा रहे हैं या फिर आपके घर में वो ब्यूटिशियन आने वाली है, तो आप उनसे पहले कट टू कट बात कर लीजिए कि आपको ये मेकअप कराना है। क्योंकि मेरी, मैं पर्सनल बात करूं तो मेरे साथ ऐसे हुई थी, मैंने अच्छे से उनसे बात कर ली थी, HD मेकअप, 3D मेकअप, दुनिया भर के मेकअप का रेंज वो आपको बताएंगे, तो मैंने HD मेकअप का बात कर लिया था। लेकिन जब वो मुझे तैयार करने के लिए आई थी, तो मेरे घर में फिर वो आके मुझे बोल रही कि ये मेकअप और करा लीजिए, एक्स्ट्रा और इसमें इंक्लूड कर लीजिए, एक्स्ट्रा इसमें ये सब चीजें इंक्लूड कर लीजिए, तो 3D हो, 4D, 5D, इस टाइप से कुछ बातें वो करने लगी। अब हम पूरा ड्रेसअप हो गए थे और सडन वो बात करना स्टार्ट कर देती है, उसके बाद मेकअप में भी वो थोड़े से चेंजेस लाने की कोशिश करती, चेंजेस ला के फिर वो ये बात होती है कि इसका रेट थोड़ा सा हाई है, इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, तो आप ड्रेसअप होके बैठ जाती है मेकअप कराने के लिए, और फिर वो ये सब चेंजेस लाना स्टार्ट कर देती है, तो आपको कुछ बोलते भी नहीं बनता और समझ भी नहीं आता, फिर उस टाइम ऐसा लगता चलो यार कर दो कर दो कर दो। तो मेरा जो रेट था उससे मुझे 10K ज्यादा देना पड़ गया, क्योंकि अचानक से वो प्लान में चेंज करती है और अचानक से बोलती है कि ये वाली मेकअप करा लीजिए, ये इस टाइप का बेस रहेगा आपका और ऐसा लुक रहेगा, तो वो सडन फिर उन्होंने चेंज कर लिया और मुझे कुछ बोलते भी नहीं बना, और ऐसा जब मैंने देखा तो मुझे कुछ खास फर्क नहीं लगा, क्योंकि जो मैंने पहले जो डिसाइड किया था, मैंने जो उनसे बात की थी, वो उन्होंने जो मुझे उलझा के जो बातें बोली, तो वो मेकअप भी मुझे सिमिलर ही लग रही थी। तो एक जो ये इनका एक टेक्निक होता है कि इस टाइप से वे थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो आप बिल्कुल वैसा ना करें, आप अपने जो मेकअप जो आप करवाना चाहते हैं आप उसी में स्टिक रहे, क्योंकि इनका ये रहता है कि वो हमारे बजट को बढ़ाना चाहते हैं और कुछ खास फर्क नहीं, उसमें कुछ खास फर्क नहीं रहता, बस इनका जो है वो मोह माया है कि अब
ऐसा सिचुएशन आ गया कि दुल्हन क्या करे, उनको करवाना ही है, तो ये चीज हो जाती है। तो आप वो चीज को भी पहले से क्लियर बात करके आइए ताकि बाद में हेर फेर ना हो। तो ये मेन टिप है जो मैंने अपने पर्सनल ये चीज को आजमाया, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी सहेली लोग भी ये चीज को फेस ना करे और आप कट टू कट बात करके ही आइएगा और बाद में कोई चेंज मत करें। तो मेरी डायरी की बात करते हैं, तो उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने डेकोरेशन कराया था और मैंने एक रेफरेंस, जैसे ये मेरी सगाई की ऐसे लुक रहेगी, मेकअप रहेगा और मुझे क्या क्या चीज परचेस करना है, उसके लिए मैंने इसमें एक लिस्ट बना के रखा हुआ था। तो आप भी एक डायरी लीजिए, एक फोटो को रेफरेंस के तौर पर निकाल लीजिए और उसके साथ लिखना स्टार्ट करिए कि मुझे ये ड्रेस है, मुझे ये हेयर स्टाइल करना है, मुझे इस टाइप का मेकअप करवाना है, मुझे ये बैंगल्स पहनने हैं। तो सिमिलर आप जब अपना रेफरेंस निकालना स्टार्ट करेंगे तो आपको आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा। तो होमवर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी, शादी कुछ ऐसे ही नहीं है। यदि आपको बहुत सुंदर लगना है, आप चाहते हैं कि आपकी शादी परफेक्टली हो, तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो एक डायरी में आप पूरा अपना बनाना स्टार्ट करिए और अपना लिस्ट बनाना स्टार्ट करिए। जैसे मैंने डिसाइड किया था मैं लहंगा पहनूंगी, तो फिर मैंने लहंगा छोड़ के फिर गाउन में शिफ्ट हो गई। तो कंफ्यूजन ना रहे करके एक एक आप एक ड्रेस में स्टिक रहिए, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है फंक्शन स्टार्ट हो जाती है फिर भी हम थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन ऐसा कंफ्यूजन में ना। तो देन मैंने डिसाइड किया कि नहीं मैं गाउन पहनूंगी, गाउन फिर मैंने रेफरेंस उसका निकाला, मुझे फिर क्या क्या उसमें चाहिए थे, मुझे ज्वेलरी सेट मैंने वैसी वाली खरीदी, मैंने वैसी वाली परचेस की, हेयर स्टाइल भी मैंने अपने ब्यूटिशियन को बता दिया था कि मुझे ये हेयर स्टाइल कराना है, मेकअप भी मैंने उनको बता दिया था। तो आप एंगेजमेंट में गाउन भी पहन सकती है, देखिए जैसा कि मैंने पहना था, या फिर आप लहंगा भी पहन सकती है। मोस्टली बहुत से सारी ब्राइड जो है वो लहंगा पहनना पसंद करती है, तो उस हिसाब से आप पहन सकती है। हेयर स्टाइल जो ट्रेंड चल रहा है आप देखिए, ट्रेंड में जो भी हेयर स्टाइल चल रहा है वो आप कराइए, वो ज़्यादा बेहतर लगती है। ये ना कि आप जो आउट ऑफ ट्रेंड हो गई है उसको आप करें, ऐसा बिल्कुल ना करें। जो ट्रेंड में जो टॉपिक चल रही है, ट्रेंड में जो हेयर स्टाइल चल रही है, ट्रेंड में जो ड्रेस पहन रहे हैं, आप उस हिसाब से पहनना स्टार्ट कर दिए। तो ये बात हो गई एंगेजमेंट की, क्योंकि एंगेजमेंट में भी हमारे यहाँ लेन देन होता है, कुछ ऐसा फंक्शन होता है, गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं, गिफ्ट देने पड़ते हैं, तो उस हिसाब से आप कंफर्टेबल आउटफिट पहनना पसंद करिए। क्योंकि अगर आप हैवी पहनेंगे तो, क्योंकि उस समय कई बार फोटोशूट भी होती है, कंफर्टेबल ना हो, कई बार हम गाउन्स वगैरह भी परचेस कर लेते हैं तो इतनी हैवी कर लेते हैं कि हम कुछ बैठना है, बैठ के पूजा वगैरह भी होती है, कई जगह प्रेयर्स वगैरह भी होती है, तो इस हिसाब से आप थोड़ा कंफर्टेबल वाले ड्रेस चॉइस करिए। गिफ्ट वगैरह भी लेने देने, उठना बैठना कई बार होता है, तो अगर आप इतनी हैवी ड्रेस ले लेंगे तो बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं होगा। तो कोशिश करिए आप जितना बेयर कर सके, जितना वेट आप उठा सके, आप उतना ही वेट वाला गाउन को या फिर लहंगे को परचेस करिएगा। हेयर स्टाइल भी ट्रेंड वाला चुनिए, जो मैं रेफरेंस यहाँ पे जैसे ये अभी जो ट्रेंड में चल रही है आप इस टाइप से करा सकते हैं। मेकअप थोड़ा मिनिमल रखिए, बहुत ज्यादा हैवी मेकअप ना रखिए, और यदि आप बोल्ड आइज कर रहे हैं तो न्यूट्रल लिप्स रखने की कोशिश करिए, बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। क्योंकि मोस्टली जो एंगेजमेंट की फंक्शन होती है वो डे फंक्शन होती है, और डे फंक्शन में बहुत ज्यादा हैवी लुक बहुत अच्छी नहीं। और दूसरी बात, मैं ये बात को कवर कर दूंगी कि आप जो है वो कोऑर्डिनेशन वुडबी का जो भी वो पहनने वाले हैं उससे सिमिलर कलर के आउटफिट खरीदने की कोशिश करिए, बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। ट्रस्ट मी, फोटोग्राफी जब होती है तो बहुत ज्यादा गॉर्जियस। चलिए नेक्स्ट पार्ट में एंगेजमेंट से रिलेटेड ही आप लोग को कर देती हूँ। हमारे में ऐसा होता है जो हम ड्रेस पहनते हैं, जब ग्रूम साइड से भी एक साड़ी या फिर कोई ड्रेस हमको मिलती है और ऐसा होता है कि हमें उसी समय पहनना पड़ता है, एक रिचुअल टाइप से ये चीज है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। यदि आपके पास टाइम है तो आप पहनिए, और नहीं है तो नहीं पहन सकते, कोई बात नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप हेयर स्टाइल ऐसा करवाइए कि आप जब आउटफिट चेंज करते हैं तो आपका हेयर स्टाइल खराब ना हो, और ऐसा हेयर स्टाइल बनाइए कि वो कोई भी ड्रेस के साथ चली जाए। क्योंकि हमारे में जैसे मैंने बताया कि साड़ी हो गई या फिर गाउन हो गए, तो जो लड़के पक्ष से मिलती है वो चीज हमको पहनना पड़ता है, तो उस हिसाब से आपको हेयर स्टाइल कराना है। क्योंकि और मेकअप भी उस हिसाब से थोड़ा सटल और थोड़ा न्यूट्रल कराइए ताकि आपके कोई भी आउटफिट में वो चीज चली जाए। क्योंकि मुझे भी जब मैंने गाउन पहना था तो मुझे साड़ी मिली थी, तो मुझे साड़ी पहननी थी, लेकिन ऐसा हुआ था कि थोड़ी सी लेट हो गई थी तो मैं साड़ी नहीं पहनी थी, लेकिन
मैंने मेकअप ऐसा कराया था कि मैं साड़ी भी कोई भी कलर की, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं थी कि वो कौन से कलर की ड्रेस है कौन से कलर की साड़ी है, तो मैंने ऐसा मेकअप कराया था कि मेरे दोनों में वो चली जाए। हेयर स्टाइल की भी मैं बात करूँ तो हेयर स्टाइल भी मैंने ऐसा कराया था कि मैं कोई भी आउटफिट पहनूँ, कोई सा भी आउटफिट पहनूँ तो उसमें वो जचे। तो ऐसा थोड़ा यूनिवर्सल टाइप का आप हेयर स्टाइल कराइए ताकि आपका कोई भी आउटफिट हो वो उसमें। तो चलिए नेक्स्ट मैं बताती हूँ हल्दी के बारे में। जी हाँ, हल्दी आउटफिट के बाद मैं कुछ स्किन केयर और फेशियल ये सब बारे में भी बात करूंगी, तो वीडियो लास्ट तक देखिए। नेल एक्सटेंशन की भी मैं बात करूंगी, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम आउटफिट की बात कर रहे हैं, तो मैं हल्दी की आउटफिट के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करती हूँ। तो मैंने अपने हल्दी में आउटफिट पहना था साड़ी। साड़ी में मैंने पिंक कलर की ब्लाउज पेयर की थी, बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट जा रही थी। आप रेड कलर की भी पहन सकते हैं, ग्रीन कलर की भी पहन सकते हैं यदि आप साड़ी पहन रहे हैं। सिमिलर कलर का पहनिएगा तो कोई मजा नहीं आएगी, जैसे कि ब्लाउज येलो, साड़ी येलो यदि साड़ी पहन रहे हैं तो कोशिश करिए कि कंट्रास्ट वाली ब्लाउज पहनने की कोशिश करिए। और ज्वेलरी की मैं बात करूँ तो ज्वेलरी जो आपके साड़ी है, जैसे आप येलो पहन रहे हैं, तो यदि आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन रहे हैं, फ्लावर ज्वेलरी पहन रहे हैं, पेपर फ्लावर वाली जो ज्वेलरी आती है यदि आप वो पहन रहे हैं, तो उसमें आप पिंक कलर की पहनिए, बहुत सुंदर लगते हैं। या फिर रेड कलर की भी पहन सकती है, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। आजकल तो रियल फ्लावर के भी ट्रेंड्स हैं, यदि आप रियल फ्लावर पहनना चाहते हैं और आपके पास वो अवेलेबल है तो वेरी गुड, बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है। तो नेचुरल फ्लावर्स की फिर बात ही कुछ अलग होती है, बट अगर आप आर्टिफिशियल पहनना चाह रहे हैं तो आप साड़ी से कॉन्ट्रास्ट करता हुआ आप पेपर ज्वेलरी या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने की कोशिश करिए, क्योंकि येलो 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 बहुत ज्यादा ऑड लगे। हेयर स्टाइल की मैं बात करूँ तो हेयर स्टाइल खुले रखिए, ब्रेड वगैरह करा लीजिए या कुछ अच्छे कर्ल्स करा लीजिए, जैसे कि ये हो गया, इस टाइप के हो गया, और ये वाली भी बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। तो खुले बाल में बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। और हेयर्स में भी एक्सेसरीज लगाना ना भूलिए, हेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लावर। फ्लावर बहुत ज्यादा ही सुंदर लगते हैं, नेचुरल फ्लावर रोज वगैरह आप लगवा लीजिए, हाँ, या फिर कुछ नेचुरल जो आपकी पर्सनल फ्लावर आपकी कुछ फेवरेट होगी तो आप उस हिसाब से भी लगवा सकते हैं, हेयर स्टाइल करवा सकते हैं, बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। और दूसरी बात ये है कि काला चश्मा रखना ना भूलिए, बहुत सुंदर लगती है जब आप फोटोग्राफी कराते हैं या फिर आप हल्दी भी करा रहे हैं और आप एक अच्छे से गॉगल्स पहन रहे हैं, बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। साड़ी की मैं बात हो गई, यदि आप चाहें तो आजकल शरारा गरारा सब चल रही है और कई लोग लहंगा भी पहनना पसंद करते हैं, और कई लोग जैसे ये हो गई शरारा के ऊपर अपन जैकेट टाइप्स भी पहनते हैं तो वो भी बहुत सुंदर लगती है। क्रॉप टॉप के अंदर आप ऐसे जैकेट पहनेंगे बहुत सुंदर लगती है। हैंड्स की मैं बात करूँ तो हैंड्स में भी आप फ्लावर लगाइए आर्टिफिशियल, जो आजकल तो चूड़ी वगैरह आती है, ब्रेसलेट्स वगैरह भी आती है जिसमें फ्लावर लगी हुई होती है, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। और पैरों में पायल पहनना ना भूलिए, पायल ना पहन रहे हैं तो फ्लावर जो है फ्लावर की पायल पहनना ना भूलिए, बहुत सुंदर लगेगी। तो ये रही हल्दी। उपटन की भी मैं बात करूंगी, तो उपटन आप नेचुरल हल्दी होती है उसको ना लगा के आप उपटन बनवा के लगाइए, तो उपटन जो है वो निखारती है चेहरे को और ग्लो देती है और बहुत ही सुंदर लगती है। हल्दी लगाने से क्या होता है, वो स्टेन लग जाती है, तो उपटन में ये है कि आप बेसन कुछ कुछ चीजों का मिश्रण होता है जिसकी वीडियो मैंने बनाई है, तो आप वो लगा के देखिए बहुत सुंदर लगेगी और स्टेनलेस आपकी स्किन रहेगी। तो ये हो गई हल्दी के बाद। नेक्स्ट आउटफिट की मैं बात करती हूँ तो मेहंदी की बात करती हूँ। मेहंदी में आप ऐसा आउटफिट चुनिए, ग्रीन कलर तो मैंडेटरी है बट इट्स ऑल अप टू यू, आपको जो कलर की पहननी है, ऐसा जरूरी नहीं कि ग्रीन एक शगुन माना जाता है, ग्रीन बहुत सुंदर लगती है। और आप जम सूट ट्राई कर सकते हैं, आजकल जम सूट बहुत ज़्यादा इन में है, बहुत अच्छी अच्छी जम सूट आ रही है, क्योंकि पैरों में जब मेहंदी लगाते हैं तो जम सूट को आप उठा के लगा सकते हैं, क्योंकि नी तक आप मेहंदी जो है वो लगवानी है तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं, और जम सूट जो है आजकल बहुत ज़्यादा इन में है, तो मैं तो आपको रेफरेंस के तौर में दूंगी कि आप जम सूट लीजिए जो पतली स्ट्रैप वाली आती है और बहुत सुंदर सुंदर आते हैं, इस टाइप की पहन सकते हैं। और ये वाली भी आप बहुत अच्छी लगती है, और दो तीन पिक्चर्स मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूंगी, आप उस हिसाब से पहन सकते हैं, क्योंकि पैर वगैरह में आप काफ़ी देर तक आपको बैठना है, ऐसा नहीं है कि मेहंदी एक घंटे में लग जाए, कम से कम 3 से 4 घंटे इवन 5-6 घंटे भी लग जाते हैं। तो उस हिसाब से थोड़े से कंफर्टेबल क्लोथ्स को वेयर करने की कोशिश करिए, बहुत सुंदर लगेगी, फोटोग्राफी भी होगी तो बहुत कंफर्टेबल भी फील होगी, सुंदर भी लगेगी, येट एलिगेंट भी लगेगी।
तो इस हिसाब से आप जंप सूट वगैरह पहन सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे जंप सूट है। क्योंकि मेहंदी लगवाना है तो मैं तो बोलूंगी कि कंफर्टेबल वेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छे आप बनवाइए, बहुत अच्छे आजकल तो हेयर स्टाइल आने लग गए हैं। और हाथ और पैर तो खाली रहेंगे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसमें मेहंदी लगेगी, लेकिन हेयर स्टाइल में आप थोड़ा सा कोशिश करिए ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की, क्योंकि हाथ पैर में तो आप वैसे भी कुछ पहन नहीं रहे, नेक वगैरह। और हेयर स्टाइल में ज्यादा कोशिश करिए, मेकअप आप मिनिमल रख सकते हैं लेकिन हेयर स्टाइल थोड़ी सी अच्छे कराइए, बहुत सुंदर लगती है, बहुत खिल के आती है। और जो फोटोज आप पिक्चर्स क्लिक कराएंगे तो बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। मेहंदी से मैं मुझे ये बात याद आई कि मेहंदी को अगर आपको डार्क करना है तो कई लोग बोलते हैं कि आप तवे में जो है वो लौंग को जो उसकी जो खुशबू आती है, जो उसका जो धुआं निकलती है, उसको आप ऐसे करके हाथ में रखेंगे तो उसका जो स्मोक है उससे कलर और अच्छी बढ़ के आती है। तो ये हैक भी आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो पान खाते हैं तो जो उसमें चूना रहता है उसको भी हाथों में लगाने से बोलते हैं बहुत अच्छी कलर आती है। तो ये जो दो टिप्स है मैं आपको दूंगी, आप इसे लगा के दी। तो बोलते हैं जो होने वाले हस्बैंड लोग का जो प्यार है वो बहुत ज्यादा रहता है, तो कलर की तो कोई टेंशन नहीं है, वो ऑटोमेटिकली चढ़नी ही है, लेकिन हमें अपने तरफ से ये दो चीज करके देखना, बहुत सुंदर और भी ज्यादा डार्क कलर आ जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट हम संगीत की बात करूं। तो संगीत में आपको ऐसा आउटफिट चुनना है जिसमें आपको डांस करते बने, कुछ कुछ एक्टिविटी करते बने, घूमते फिरते बने, इवन खाते भी बने, क्योंकि कई बार हम ऐसे टाइट आउटफिट पहन लेते हैं कि हमको टस से मस होने की कोशिश करते हैं तो नहीं हो पाती, एक जगह हम फ्रीज होकर रहते हैं। तो वो दिन ऐसा होता है कि आप इंजॉय कर सके, बहुत अच्छे से इंजॉय कर सके। ऐसा आउटफिट आप चुनिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, चलने फिरने में भी कोई इशू ना हो, और सबसे बड़ी बात है डांस करने में कोई इशू ना हो। आप राउंड वगैरह कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मूवमेंट्स हो रही है, अच्छे से बॉडी इधर उधर मूवमेंट हो रही है तो कंफर्टेबल फील होगा। कई बार ऐसी चीजें हो जाती है जब हम लहंगा पहनते हैं तो उसकी जो जो जिप है वो खुलने लगती है या फिर जो उसकी डोरी है वो खुलने लगती है, तो आप ऐसा उसको कंफर्टेबल तरीके से पहनिए, उसको ऐसा फिक्स करिए कि आप 4 घंटे तक भी अगर आप डांस कर रहे हैं, 4 घंटे तो कोई नहीं करते बट एक बात बोल रही हूँ कि आप काफी देर तक भी अगर आप डांस कर रहे हैं तो वो जिप खुले ना या फिर वो हुक खुले ना, उस बात का आप ध्यान जरूर से रखिए। दूसरी बात, ब्लाउज वगैरह में अगर आप डोरी वगैरह बनवाते हैं तो उसकी कोशिश करिए कि वो अच्छे से फिक्स हो, सेट हो, क्योंकि डांस करते समय कई बार ऐसी चीजें होती है कि डोरी वगैरह खुलने की चांसेस या फिर हुक वगैरह खुलने के चांसेस होते हैं। तो संगीत में आप कोशिश करिए कि ये सब चीजें अच्छे से फिक्स हो जाए। हेयर स्टाइल भी आप मोस्टली मैं तो बोलूंगी कि जूड़ा वगैरह ना बनवाइए, क्योंकि डांस वगैरह करते हैं जूड़ा वगैरह का फॉल होने की ज्यादा चांसेस रहते हैं, और ओपन हेयर्स में कोई इशू नहीं रहती, और डांस वगैरह करते हैं तो फोटोज भी बहुत अच्छी क्लिक होती है। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान दे सकते हैं। अच्छे से आप तैयार होइए, अच्छे से आप मेकअप करिए, अच्छे से अपने दिन को आप एंजॉय करिए, क्योंकि वो ऐसे देखा जाए तो लास्ट डे होता है, क्योंकि नेक्स्ट डे आपकी शादी होने वाली रहती है। तो फुली एंजॉय करिए, फुली मस्ती करिए घर वालों के साथ, कजन के साथ, इन लॉस के साथ, सबके साथ। तो कंफर्टेबल वेयर करके आप अपने संगीत को एंजॉय कर सकते हैं। मेकअप आपकी चॉइस है, बोल्ड लुक बहुत ज्यादा सुंदर लगेगी क्योंकि नाइट का फंक्शन है तो बोल्ड आईज वगैरह बहुत ज्यादा गॉर्जियस लगती है, तो आप बोल्ड आईज भी करा। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की बात मैं करूँ, यदि क्रिश्चियन वेडिंग हो रही है मेरी स्पेशली मैं बात करूँ तो हमारा टाइम बिल्कुल कम था, और उस दिन ऐसा था 3 दिन शादियां होनी थी, तो हमारा जो शादी है वो लास्ट में होने वाली थी, चर्च इतनी हाउसफुल चल रही थी तो सबकी टाइमिंग्स अलग हो गई थी। तो हमारी टाइमिंग थी शादी की 5 बजे। जो गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं ग्रूम साइड से मिलते हैं, और हमारे में ऐसा होता है जो वेडिंग गाउन होती है वो लड़के तरफ से मिलती है, हालांकि मैंने पसंद किया है, मैंने जाके शॉपिंग किया है, लेकिन एक उनके साइड से ये चीज दिया जाता है। तो मैंने गाउन बहुत अच्छे अच्छे ट्राई किए, बहुत सारे मैंने स्टार्टिंग रेंज से लेके पूरे अबव तक मैं लैक्स तक के भी ट्राई करके देखी, तो मुझे कुछ जो जम रहे थे मैं उनसे साइड में करते जा रही थी। तो मुझे एक गाउन जो है वो बहुत ज्यादा पसंद आई थी जिसका कॉस्ट था 35K। तो 35K का गाउन था और उसमें इतने पीछे इतने थ्रेड्स वगैरह दिए गए थे और इतने उसमें बियर्ड करना था, बियर्ड जो छोटी टाइप की जैसे गूंथते हैं उस टाइप से हमको बनाना था, और बहुत ज्यादा ताम झाम मैं उस समय ट्राई की तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, और मैंने ट्राई करके दिखाया अपने होने वाले हस्बैंड को तो उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आई, और मेरे जो इन लॉज थे वो भी गए हुए थे तो उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो हमने जो है वो 35K का गाउन जो ही अब देख रहे हैं उसको फाइनल कर लिया। अब जब जिस दिन हमारी शादी होने वाली थी उस दिन मुझे वो गाउन दिया गया
और मैंने बस एक बार वहाँ पे ट्राई किया था। ठीक है, अब मुझे हमारी, जैसे मैंने आपको बताया, तीन शादी थी, तो हमारी शादी की टाइमिंग थी 5 बजे। 5 बजे हमारी शादी होने वाली थी। मैं रेडी होना 3 बजे चालू कर ली। मुझे क्या पता था कि गाउन पहने में इतना वक्त जाएगा, बट ट्रस्ट मी, मेकअप मेरा जब मैंने कराया बहुत समय नहीं लगाया, हेयर स्टाइल मैंने कराया बहुत समय नहीं लगाया, लेकिन मुझे समय इस चीज़ में लगा कि मुझे गाउन पहनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। मुझे 1.5 घंटे लग गए गाउन पहनने में, क्योंकि मैंने उसको पहना फिर पीछे पीछे ऐसे गूंथते, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहे हैं क्या बोलते हैं, लेकिन ऐसे जो रिबन टाइप की होती है उसको मेरे से तो हो नहीं रही थी, तो मेरी जो ब्राइड्स मेड्स वगैरह हैं लोग सब कर रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा समय लग गया था। 1.5 घंटे तो वैसे ही चले गए। तो आप कोशिश करिए कि थोड़ी सी, क्योंकि पहनना 1 घंटा है, लेकिन उसका जो ताम झाम होता है, जो इतना कॉस्टली भी रहता है, ताम झाम भी रहता है, क्योंकि वो 1 घंटे के लुक के लिए तो बहुत ज़्यादा समय लग गया, लेकिन जैसे तैसे मैंने उसको पहना और बहुत अच्छी जो है वो लुक आ रही थी, तो फोटो भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। लेकिन आप, मैं ये कहने का मतलब ये है कि आप कोशिश करिए कि आप थोड़ी सिंपल ले सके, बहुत समय बर्बाद हो जाता है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि उस गाउन के साथ साथ जुड़ा वाला हेयर स्टाइल करूँ, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं मिला मुझे, तो मैंने ओपन एयर्स और कर्ल्स वगैरह करा लिए, तो लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, मुझे बाद में रिग्रेट नहीं हुई। लेकिन मैंने पहले ये सोचा था कि मैं गाउन के साथ जूड़ा बनवा लूँगी, लेकिन गाउन पहनने में ही इतना समय चला गया कि मैं कुछ नहीं कर पाई। तो मैं ये कहूँगी कि आप गाउन ऐसा लीजिए कि फटाफट पहन लें, क्योंकि कोई किसी को आप बताऊँगे कि गाउन पहनने में 1.5 से 2 घंटे लग गए तो कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन आप, यदि आपके पास अच्छा खासा समय है तो आप उस हिसाब से पहन सकते हैं, लेकिन नहीं है तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा सिंपल सा हो, हेयर स्टाइल और मेकअप में आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। तो आप की चॉइस है, मेरी जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस थी मैंने आपको बता दी। जो डिनर होती है, रिसेप्शन जो हमारे साइड से था, तो उसमें मैंने पहना था लहंगा। उसमें भी आप लहंगा ऐसा पहनिए कि आप लॉक अच्छे से कर लीजिए, थ्रेड वगैरह जो डोरी जो नाड़ा वगैरह है उसको अच्छे से टाइट कर लीजिए, ऐसे वाला ही लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैं एक दो जब ट्राई कर रही थी, जब मैं परचेस करने गई थी, तो वो लूज़ हो जा रहे थे, तो डांस वांस करने में कंफर्टेबल फील नहीं होता है। तो आप लहंगा, मोस्टली बहुत सारे लोग लहंगा ही पहनते हैं, तो आप ऐसा वाला लहंगा लीजिए कि वो फिक्स रहे, 2-3 हुक्स वगैरह रहे, उसमें जिप लॉक जिप हो, और अच्छे से आप लॉक कर लीजिए, क्योंकि वो लूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और चलते फिरते हैं तो हमें कंफर्टेबल फील नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि उसका वेट बहुत ज़्यादा हैवी रहता है, तो आप ऐसे लीजिए कि अच्छे से वो फिक्स रहे। हेयर स्टाइल तो जूड़ा वगैरह जो भी है वो आप कर सकते हैं, उस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी। और दूसरी बात ये है कि अच्छा खासा आप चूड़ा पहनिए, या फिर रिलेटेड आप उसमें बैंगल्स पहन सकते हैं, बहुत सुंदर लगती है। और हेयर स्टाइल वगैरह रेफरेंस ये कि इस टाइप से आप करा सकते हैं, बहुत सुंदर गॉर्जियस लगती है। तो इसमें ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि सबकी चॉइस अलग है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ बिदाई की। तो बिदाई में मैंने पहना था साड़ी, पता नहीं आप लोग में शायद चेंज करते हैं कि नहीं, मैं लेकिन मैं अपने टाइम में चेंज की थी, और मैंने एक अच्छी सी बनारसी साड़ी पहनी थी, बहुत सुंदर लग रही थी। और एक उस समय बहुत ठंड थी, नवंबर की हमारी शादी थी, तो शॉल पहना हुआ था, तो साड़ी चेंज की हो और कंफर्टेबली मैं गई, क्योंकि जो मेरा लहंगा था वो काफ़ी हैवी वेट थी उसकी, तो मैंने साड़ी पहनना प्रेफरेंस किया, क्योंकि साड़ी भी थोड़ी हैवी थी, लेकिन क्या है थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा करके मैंने अपने जो विदाई सेरेमनी में मैंने साड़ी पहनी थी, तो वो भी बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन आपको जो पहनना है या फिर चेंज नहीं भी करना है, कई लोगों में रात में शादी होती है तो समय बिल्कुल नहीं मिलता है चेंज करने का, लेकिन कई लोग चेंज कर लेते हैं, तो मैंने भी चेंज किया था, तो मैंने अपनी विदाई में पहना था साड़ी। ना हैंकी रखना ना भूलिए, क्योंकि रोने धोने का प्रोग्राम था, बहुत लंबा चलता है, तो भाई हैंकी रखना ना भूलिए, मस्ट हैव है, हैंकी जरूर से रखिए। नेक्स्ट डे की बात करूँ तो इन-लॉज की तरफ से जो रिसेप्शन था उसमें मैंने पहना था गाउन, तो गाउन के साथ साथ मैंने जूड़ा हेयर स्टाइल कराया था, क्योंकि प्रीवियस वाले जो आप मेरे आउटफिट देखेंगे तो सब मैंने खुले बाल कराए हैं, कर्ल है, हल्दी में भी मैंने खुले रखे थे, तो मैंने सोचा था कि सिमिलर रिपीट नहीं करना है। तो मेन बात ये है, जो पॉइंट टू बी नोटेड वाली चीज़ें हैं, कि आपका हेयर स्टाइल रिपीट नहीं होना चाहिए, हर आउटफिट के साथ अलग अलग आपको हेयर स्टाइल कराना है, और सेम गोज़ विथ मेकअप।
मेकअप के लिए भी आपको सिमिलर नहीं जाना, लिप्स भी आप कलर चेंज कर करके, मतलब कि पिंक हो गया, न्यूड हो गया, रेड हो गया, जो भी है कलर है, लेकिन अलग अलग होने चाहिए, सिमिलर रिपीट नहीं करना है, नहीं तो यही लगेगा कि वही वही सेम सेम हो गया। इसलिए मैंने जो मेरा लास्ट फंक्शन था जिसमें मैंने जूड़ा कराया, क्योंकि मैं जूड़ा बिल्कुल नहीं करा पाई थी अपने प्रीवियस वाले सेरेमनी में, और मेकअप भी मैंने ऐसा कराया कि जो मैंने प्रीवियस में नहीं कराया हो, तो उस हिसाब से मैंने मेकअप कराया था। तो आप सेम रिपीट ना करिए, अलग अलग करिए, ताकि आपको भी थोड़ा अच्छा लगे, फोटोग्राफी भी आए तो थोड़ी अच्छी अच्छी लुक आपको मिलेगी, अरे वाह मैंने ये किया था, बाद में आप देखेंगे तो आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब मैं अपने एल्बम्स को देखती हूँ तो मुझे लगता है चलो यार जो हुआ अच्छा हुआ, मेरे सारे फोटोज अच्छे आए हैं, हेयर स्टाइल भी अच्छी हो गई। तो मैंने फिर उस समय जूड़ा कराया था और जो है मैंने अपना चूड़ा पहना था और न्यूड कलर की जो है मेरी गाउन थी, बहुत सुंदर लग रही थी और गाउन भी बहुत अच्छी कंफर्टेबल थी, हालांकि थोड़ी सी हैवी थी, लेकिन डांस वगैरह हमने किया, बहुत सुंदर लग रही थी और मजा आया। उसके बाद नेक्स्ट डे जो था, हम चर्च में जो एक फंक्शन होती है तो न्यूली वेडेड कपल्स के लिए स्पेशली वो की जाती है, तो उसमें मैंने पहना था साड़ी। तो साड़ी जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे एंगेजमेंट में जो मेरी इन-लॉज की तरफ से जो मुझे साड़ी मिली थी वो मैं नहीं पहन पाई थी, तो मैंने सोचा इससे अच्छा मौका अब और कहाँ मिलेगा। तो उस दिन मैंने वो साड़ी पहनी थी और बहुत लोगों ने तारीफ की, तो ये साड़ी है मैंने उस दिन पहनी थी, बहुत सुंदर लग रही थी। तो ऐसा मौका आप निकालिए कि जो आप नहीं पहन पाए वो अब बाद में आप पहन सकते हैं। तो उसके लिए स्पेशली मैंने एक और साड़ी रखी थी, लेकिन मैंने बोला था कि चलो प्यार से उन्होंने एंगेजमेंट के समय जो गिफ्ट मिला था मैं नहीं पहन पाई थी, तो मैं इस दिन पहनती। नेक्स्ट डे जो फंक्शन था चर्च में, तो मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी। उसके बाद शाम की मैं बात करूँ तो शाम में हमारे यहाँ बहु भोज होता है, जिसमें भी काफ़ी गेस्ट लोग आए हुए थे। तो उस दिन मैंने एक गाउन कम सूट ऐसा पहना हुआ था, उसमें एक चुन्नी भी थी, दुपट्टा थी, तो मैंने थोड़ा, क्योंकि मैं रिपीट नहीं करना चाहती थी, मैंने पहले से ही अपना लिस्ट बना लिया था, तो मैं ये चीज़ पहनी थी कि फोटो आप देख सकते हैं, तो ये चीज़ मैंने पहनी थी। और इस टाइप से भी आप पहन सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आप अपने सासू माँ से भी पूछ सकते हैं कि आपको क्या पहनना है, क्योंकि मैंने उस दिन पूछा था कि मैं क्या पहनूं, तो उन्होंने बोला कि जो पहनना है पहन लो करके, तो मैंने सोचा कि मैं इसको पहन लेती हूँ, तो बहुत सुंदर लग रही थी। तो ये मेरे घर का फंक्शन था, फाइनली मेरे घर का सारा फंक्शन खत्म हो गया। लास्ट जो फंक्शन था वो बहु भात था, बहु भोज था, और उसके बाद से फंक्शन फिर खत्म हो गई थी। तो ये कुछ कुछ बातें जो शेयर करना चाहती थी और मैंने शेयर कर लिया, मुझे एक फ्लैशबैक भी याद आ गई। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी मेकअप और स्किन केयर और चीजें आपको अपने बैग में लेके जानी है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं जो आपको बोलना चाह रही थी कुछ चीज़ें, तो नेल एक्सटेंशन यदि आप करा रहे हैं तो कोशिश करिए, क्योंकि हल्दी वाले दिन पहले से ही आप करा लेते हैं, तो यदि आप इस टाइप के अगर नेल एक्सटेंशन करा रहे हैं तो स्टेन लगने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो कोशिश करिए कि थोड़े डार्क कलर के आप लगवाएं, बेबी पिंक हो गया, रेड कलर हो गई, ऐसा कलर कराइए कि आपके नेल्स में कलर ना चढ़े। तो आप नेल एक्सटेंशन करा रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखिए, क्योंकि आपको फिर से चेंज कराने का समय नहीं मिलेगा। तो आप ऐसा कराइए कि आपके सारे ड्रेस में भी चले जाए, सारे फंक्शन के जो आउटफिट्स हैं उसमें भी वो घुल मिल जाए और उसमें स्टेन्स वगैरह भी ना लगे, तो आप इस हिसाब से भी करा सकते हैं, बाकी इट्स ऑल अप टू यू। स्किन केयर की भी मैं बात करूँ तो फेशियल वगैरह भी आप कम से कम 1 वीक के पहले करा, या फिर एलर्जी वगैरह हो जाती है तो वो हील होने में एटलीस्ट आपको 1 वीक मिलेगा, तो ये चीज़ का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत मेहनत लगी, मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया कि मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ, मैं कैसे अपने पूरे फ्लैशबैक में गई, क्या क्या चीज़ें मुझे मैंने मिस्टेक की, तो सब चीज़ मुझे याद करने में थोड़ा सा समय लगा। थोड़ा सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब टू ब्यूटीफुल चिक, मैं फिर किसी वीडियो में मिलती हूँ, तब तक बाय, टेक केयर।